आप समझ सकते हैं, जब देश का प्रधानमंत्री मुख्य सेवक जब आपको ट्वीट करता हो, अपने ट्विटर हैंडल पर आपको टैग करता हो, तो कैसा लगता होगा? जी हाँ, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ये जो गाना है भारत ही नहीं पूरे विश्व में आज बज रहा है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाति मिश्रा, छपरा की बेटी हैं, उनके इस गाने को ट्वीट किया अपने ट्विटर हैंडल से और कहा कि राम लला के आने पर ये सुंदर गीत मंत्रमुग्ध कर देता है। प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल को हम दिखाते हैं कि जहां उन्होंने ट्वीट किया है, देखिए क्या लिखा है। स्वाति मिश्रा का ये गीत, भक्तिमय ये गीत रामलला के आने पर मंत्रमुग्ध कर देता है। और स्वाति मिश्रा का ये गीत थोड़ा सा हम सुना देते हैं आपको। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सुना आपने? हमारे सहयोगी शैलेश ने स्वाति मिश्रा आज से 3 दिन पहले कलकत्ता आई थी और वहां उन्होंने स्वाति मिश्रा से बात किया, तमाम तरीके की बात हुई, भोजपुरी में अश्लीलता की बात हुई। स्वाति मिश्रा, उनके पिता ने सिरे से नकार दिया कि हम ऐसा कोई भी गीत नहीं गाएंगे जिससे कि समाज में हमारी छवि धूमिल हो। आजकल के जो कलाकार हैं, चाहे कितने भी बड़े कलाकार हों, पावर स्टार कहे जाते हैं, बहुत कुछ कहे जाते हैं, उनके गीतों को घर में बैठकर आप अपने परिवार के साथ नहीं सुन सकते। लेकिन स्वाति मिश्रा का ये गीत हर चौराहे पर बज रहा है और वास्तव में ये सच्चाई भी है कि अपनी आवाज से उस समय जब राम लला अपने नए भवन में विराजमान होंगे, प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, तमाम जो भारत सरकार से लेकर तमाम राज्यों के भी मंत्री हैं इस गाने को ट्वीट कर रहे हैं प्रधानमंत्री के, अब देखा देखी। लेकिन चलिए आपको मिलवाते हैं स्वाति मिश्रा से। हमारे सहयोगी शैलेश ने बात किया कलकत्ते में उनसे, और सबसे बड़ी बात एक और बता दें कि स्वाति मिश्रा को जिस दिन रामलला वहां विराजेंगे 22 जनवरी को, उन्हें लाइव परफॉर्मेंस करने का आमंत्रण मिला है, निमंत्रण भेजा गया है। देखा जाए पहुंचती हैं कि नहीं, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ है, रामलला के दर्शन के लिए सब लोग जो हैं वहां उपस्थित होंगे, गाने सुनेंगे लोग या नहीं सुनेंगे ये तो बाद की बात होगी, लेकिन स्वाति मिश्रा का ये गाना जो है आज पूरे विश्व में छाया हुआ है। स्वाति मिश्रा से मिलवाते हैं आपको कि आज हमने के बीच में स्वाति मिश्रा जी बनी। स्वाति जी, स्वाति मिश्रा जी के बारे में आपके बतावे की जरूरत नहीं है, अभी वायरल गर्ल कहली अंग्रेजी बोला तरीके से कैसे कि लोग ये समझाता है आजकल। तो स्वाति मिश्रा जी बनी, बिना देर के लिए आपके हम गीत सुना होता नहीं श्री राम जी के, एक बार गुना दी गीत खाली। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। देखिए आपके हम बताओ चाहते नहीं कि स्वाति मिश्रा जी से मिले के और एक वीडियो बनावे के हमारे को बस एक मुद्दा बा, आजकल के जो युवा पीढ़ी, जो छोट छोट बच्चिया आजकल अपना गावल चाहता लो, अपन करियर ढूंढता लो कि हम गायक बनब गायिका बनब, वो लोग स्वाति मिश्रा जी से सीखे के चाहे का सीखे के चाहिए। अभी आजकल के जो दौर चलता है, लोग सोचता है कि हम एक मिनट में एक वो गीत गाएं और काल हम मिलियन में पहुंच जाए, लेकिन ओकरा पीछे कितना मेहनत बा स्वाति जी के समझल बहुत जरूरी बा कि जो आज स्वाति जी बानी ये आज की मेहनत ना है, एक दिन के मेहनत ना है, एकरा पीछे कई वर्ष लागल बा।
थोड़ा सा बताएं कि कितना स्ट्रगल करे के पढ़ा लगते हैं। पिछले 5 साल से यूट्यूब करता नहीं और 5 साल में बहुत बहुत बार ऐसे नाई की उतार चढ़ाव आए। सबसे पहला गाना हमारा 2020 में वायरल वाला, उकरा बावजूद भी हर गाना ना उतना काम करता, उतना व्यू ना होता लग हर गाने पे। लेकिन फिर जब किसी लाइन में पैशन होला, जब कोनो आर्ट में पैशन होला तो उकरा के करे में मजा आएगा। तो अगर हमरा में सक्सेस नहीं भी मिलत, थोड़ा बहुत भी मिलत अनु लोगों से, उतने हमारे खातिर काफी रहा, हमारे खातिर मोटिवेशन काफी रहा। और भगवान की वजह से परिवार, हमारे दोस्त फैमिली ऐसा मिलल बा कि हमारे लो सिचुएशन में भी हमरा के वही सेलिब्रिटी फील करावेला जो अभी हमरा के फील करा होता। तो हमारे खातिर सब सिचुएशन बहुत अच्छे से कहे के मतलब बा कि यहाँ के पैसा कमाए खातिर नहीं गावत, जो एगो मन शौक होला ना, एगो बचपन से शौक बा कि हम गीत गई थी, उस शौक आज यहाँ के ईजा लेके आई बा। लेकििन आप सबका करता नहीं, आप सबके लोग पता कि हुनकर गाना मिलियन में चल गिल बा, हाउ फॉर्चुनर से घुमाता रहे, तो आप ऐसा शब्द के चुनाव करता नहीं, ऐसा गंदा गंदा अश्लील गीत संगीत के आप सब साथ देता नहीं, ओकरा वजह से आप चाहता नहीं कि हम मिलियन में पहुंच जाए, हम आगे बढ़ जाए। लेकिन एकरा पीछे बहुत मेहनत करे के पड़ी, हमनी के बहन भतीजी जे भी चाहता है कि हम गीत गाई, अच्छा गायिका बनी, वहां की स्वाति जी से सीखे पड़ी। एक और बात, यहाँ के साथ साथ गार्जियन लोग के भी बहुत ध्यान रखे के बा। हम आपसे मिलावत है स्वाति जी के पिताजी से, आपकी चीज समझावे खातिर अपना बेटी के कैसे रखे के चाहिए, का संस्कार दे बाप, आप सबके हम मिलवावत है। चाचा जी थोड़ा सा आप आ जाए, देखिए हमनी के बीच में यहाँ के पिताजी बने और यहाँ के बीच में लाने के मतलब ये बात कि यहाँ के भी चैती तो अपना लड़की के गीत गावे से मना कर दी थी, यहाँ के भी स्वाति जी भी चैती। आज यहाँ के कितना बरस लागल आपके यहाँ पहुंचे में? लगभग लगभग 5-6 साल लागल यहाँ के चैती। तो जहिया से गायकी शुरुआत कैनी वही दिन से कुछ एने ओने ऊपर नीचे गा के तुरंत वायरल हो गई थी यहाँ की। लेकिन यहाँ के संस्कार हेजा से मिलल, ये संस्कार हमेशा दबौलस यहाँ के, हमारा ही निखे करे के, हमार बाबूजी हमार पिताजी ही निकन सिखौले, हमार संस्कार ही ना हो। हमनी के दादाजी वहां के दादाजी चाहे पिताजी ये सोच रहा कि हमने घर के लड़की गाना फाना ना करी, गाई तो केहू का कही, ये चीज से कैसे निकलनी है और वहां के मुकाम पे पहुंचावे में आपके कितना मुश्किल के सामना करे पड़ा? सबसे पहले तो सारा भोजपुरी सुनने वाले भी हम प्रणाम करते नहीं, ई कतई मत बुझ के रुआ अपना बच्चा के सिखाई या पढ़ाई कि एक हमारा हीरो बना लेवे के बाद चरम पर पहुंचा देवे, तो एक लाइन में बच्चा में भर दिए बचपन से कि मर्यादा के पालन करे के बाद निश्चित रूप से ऊंचाई दी, बिल्कुल मर्यादा में रहला पर ये सीखली। अब बाद में शिक्षा के ध्यान दे शिक्षा पर सबको ध्यान देवे अपना अपना बच्चा बच्ची के, थोड़ा सा बच्चियन के पढ़ावे तो जरूर कष्ट बा जी, तो कष्ट के सामना ना कही है, तो दूसरा के बेटी में लता मंगेशकर खोज बिल्कुल वो घर में ओकरा के अवसर ना दे तो कहाँ से वो लता मंगेशकर पाए, श्रेया घोषाल पाए। तो ये सोच के बेटी के भी मत बेटा बुझी मत बेटी बुझी, औलाद बुझ के ओकरा के थोड़ा सा सहारा दे दी, बच्चा निकल जाए। एक बात आप सबके बताई कि आई सीना देखी कितना चौड़ा बा स्वाति जी के संगे बैठे में, और एक और आपके जब बेटी एने ओने ऊपर नीचे हम शब्द के नाम निकले अगर वो गावत हुई तो आपके जो गावत ओकर माँ बाप महतारी के सर नीचे हो जात हुई। आज हई बैठ के देखी यहाँ के बेटी यहाँ के पिताजी देखी कितना गर्व से यहाँ के बैठल लगे पूरा एकदम तान के। आप सबके भी यही तरी रहे पड़ी जे बच्चा बा, हम आज एगो लड़की के बात नहीं कर, जे भी चाहता है कि हम गीत संगीत भोजपुरिया गीत संगीत के आगे बढ़ाए, आप सबके यहाँ से सीखे के पड़े। जे गार्जियन बा वहां के चाचा जी से सीखी, जे गावे वाला बा उस स्वाति जी से सीखो, और खास करके बच्ची लोग के जे अभी शुरुआत सोचता लोग एक दो दिन में हम वायरल हो जाए, तो हमने के जो भोजपुरी बा भोजपुरी गीत संगीत हमने इतना मिठास बा ओके खराब लिखे करे के बिल्कुल ना। ये साबित करता शैलेश भाई जी कि मर्यादा में रह के भी शालीन भाषा गा के भी रुआ उन्नति कर सके, एक प्रमाण प्रमाण है स्वाति जी बनी आई हद तक सच्चाई बात ठीक बा। पीछे आप जो भी कुछ आपके सामना करे के पड़ रहे आप भी बहुत सुन रहे हो गाँव मोहल्ला पटीदार से कि का हो लड़किया के गीत गवाता रह, अगर यहाँ के रुक गए रहती ना तो आज हमनी के स्वाति जी ना मिलती,
आज पूरा वर्ल्ड सुना था, पूरा ब्रह्मांड यहाँ के सुना था श्री राम जी के गीत, तो आज हमने यहाँ की ना मिलती। अगर यहाँ के रुक गई रहती तो ये वीडियो ये खाती भी बा कि अपना बच्चा बच्ची कैसा संस्कार दी, वहां के आगे बढ़ाई, बहुत पढ़ाई लिखाई, लेकिन जो हमने के धरोहर बा, जो हमने के संस्कार बा, ओकरा संगे पाली। आप सबके पूरा सहयोग रहे के चाहिए और पूरा देखभाल के संगे अपना लड़का लड़की के गीत गौ नहीं कराई। आप साक्षात उदाहरण ये ज्यादा लास्ट में कुछ आप आवेला जनरेशन खातिर, जो हमने के पीढ़ी आवेला बा, हमने के बाद भतीजा भतीजी जे भी जे गावल चाहता सोचता कि हम वो अपन करियर बनाए, वहां लोग खातिर का कह चाहबा? हम वहाँ लोग से ये कह के चाहते नहीं कि अगर करियर बनावे की सोचले वाली तो शॉर्टकट तरीका मत ढूंढनी कि कुछ भी गा दी, कुछ भी उल्टा सीधा गा के, या फिर पहली बात तो वायरल होके खातिर काम मत करी। सोशल मीडिया अगर बात तो लोग हर कोई वायरल होके के चाहता, वायरल होके खातिर काम ही मत करी। अगर आप लगन से काम करें बिना रिजल्ट के ध्यान दिए, कृष्ण जी भी कहले बने तुम कर्म करो फल की चिंता छोड़ दो, तो अगर वह कर्म करें फल की चिंता किए बिना तो वह सक्सेसफुल जरूर हो जाए। और बहुत ही मन से काम करी अपना जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट या फिर जिस भी एरिया में रुआ बनावे के अपन करियर, ओकरा पर पहले काम करी, ओकरा के सीखी, ओकरा में अपन गला जो जैसे रुआ कर सकते अपना आपके में उतारी, ओकरा बाद शुरू करी हूँ चीज। निचले स्तर पर कुछ ना कल हारमोनियम बजावे आगल सारे गामा कल से यूट्यूब चैनल खुल गए और व्यूज नहीं खियावत का प्रॉब्लम हुआ, व्यूज नहीं खियावत। तो सबसे पहले काम करी अपना ऊपर, अपना गायकी के ऊपर, जो भी करे के बाद अपन करियर शुरू करिए और करियर में काम करिए, शॉर्टकट से ना मिले कभी भी रास्ता। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और चलो चलो दो लाइन भोजपुरी में दिलवा के चोर में बहुत 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 मीठा गीत लगेगा, तो दो लाइन खाली गुनगुना जी। जब से मिलल बाटे तो हसे नयन मामा, हर ओर तू ही लौका तारा हो सजनावा। ओ सजना सावर थोड़े थोड़े गोर लागेला, सजना सावर थोड़े थोड़े गोर लागेला, जैसन सोचले रहनी हो से बिजोड़ लागेला, जैसन सोचले रहनी हो से बिजोड़ लागेला। सुना आपने, तो ये थे हमारे सहयोगी शैलेश। तमाम बातों पर बात किया, सिरे से नकार दिया, और ये बात सच्चाई भी है कि तमाम वैसे गायक जो अश्लीलता को अपने शब्दों के माध्यम से परोसते हैं, स्वाति मिश्रा उनके लिए करारा जवाब हैं। एक खबर हम आपको और बता दें, स्वाति मिश्रा जैसा हमारे से बात हुई, हमारे सहयोगी से जो बात हुई, स्वाति मिश्रा पवन सिंह ने उनको ऑफर भेजा था कि हमारे साथ गाना गाइए, तमाम बिहार की जो बच्चियां हैं अनुपमा यादव, और उन्होंने सिरे से इस बात को नकार दिया कि मैं पहले गाने का आप स्क्रिप्ट दीजिए कि गाना क्या है, मैं उसके शब्दों को देखूंगी, फिर वो गाना यदि मुझे पसंद आया तो मैं गा सकती हूं। तो ये है स्वाति मिश्रा, बिहार की थाती, मिलवाते हैं आपको। सुना आपने, स्वाति मिश्रा उनके पिताजी भी थे, क्या कुछ कहा कि एकदम अश्लीलता से कोई समझौता नहीं, और जो संस्कार हमें भिखारी ठाकुर से लेकर तमाम वैसे भोजपुरी कलाकार दे गए हैं या दे रहे हैं, जिसमें चंदन तिवारी से लेकर तमाम वो नाम हैं, हम उनके रास्ते पर चलेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।